साथ लेकर, सबको साथ लेकर अपने अपने बूथों में, अपने अपने बूथों में अधिक से अधिक मतों से, अधिक से अधिक मतों से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे पर वोट डलवाकर, पंजे पर वोट डलवाकर पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा, पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाकर, वोट दिलाकर विजयी बनाऊंगा, विजयी बनाऊंगा। वही कांग्रेसी लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ता शपथ लेते नजर आए। ये तस्वीरें कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की है, जहां सांसद नकुलनाथ ने पहले से ऐलान कर दिया था कि वो ही छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता ये शपथ ले रहे हैं। सबको साथ लेकर, सबको साथ लेकर अपने अपने बूथों में, अपने अपने बूथों में अधिक से अधिक मतों से, अधिक से अधिक मतों से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे पर वोट डलवाकर, पंजे पर वोट डलवाकर पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा, पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाकर, वोट दिलाकर विजयी बनाऊंगा, विजयी बनाऊंगा। आपको बता दें कि आखिर कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेसियों को ये शपथ क्यों दिलाई जा रही है। दरअसल हाल में छिंदवाड़ा में 7 पार्षदों का ही कार्यकर्ता कांग्रेस नेता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्षदों की संख्या अल्पमत पर आ गई है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नगर निगम में कांग्रेस के महापौर और अध्यक्ष की सीट अब खतरे में है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।